हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड. ओके, कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो देखो, आईयूपीएससी नेमिंग सॉल्व की या नहीं की इस चैप्टर की जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड. ठीक है, उनको सॉल्व करना. अगर फिर भी नहीं समझ आए तो प्लीज जो भी एग्जाम्पल्स हैं या जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आए वो आप मेंशन कर देना. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दूंगी. ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी जो बुक है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी अभी आपको. बट पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन एक बार एग्जाम्पल्स और रूल्स देखेंगे सबके, उसके बाद में अपन सारे जो भी एक्सरसाइज है वो करेंगे. ठीक है, देखो एल्डिहाइड में अपन ने जनरल, अगर नॉर्मल एल्डिहाइड हो तो क्या नेमिंग होगी वो पढ़ लिया था. इसके अलावा अगर एक ही कार्बन या एक ही कंपाउंड में टू फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा नेमिंग, ये भी अपन ने पढ़ लिया था. एक स्पेशल केस था जिसमें थ्री CHO ग्रुप थे, ठीक है, उसकी नेमिंग भी अपन ने पढ़ ली थी. यहाँ तीनों को ही कार्बन चेन में इंक्लूड हम नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने एक न्यू टर्म यूज की थी, दैट इज कार्बेल्डिहाइड. ठीक है, ये एग्जांपल भी पढ़ लिया था. डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ क्या नेमिंग होगी वो भी अपन ने पढ़ लिया था. ठीक है, उसके बाद में कीटोन जो है, कीटोन के अंदर अगर नॉर्मल अगर कीटोनिक ग्रुप है तो क्या नेमिंग होगी वो एग्जाम्पल्स भी अपन ने कर लिए थे. ठीक है, आज आईयूपीएससी नेमिंग जो है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद में अब देखो, अब अगर आपके पास में मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, CH3 C double bond O CH2 C double bond O CH2 CH2 CH3. ठीक है, मींस यहां क्या है बेटा, यहां फंक्शनल ग्रुप है कीटोन. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, वो फंक्शनल ग्रुप कितने टाइम है बेटा, टू टाइम्स है. ठीक है, अब जो टू टाइम फंक्शनल ग्रुप है उसको अपन को क्या करना है, नंबरिंग देनी है, नेमिंग करना है उसका. तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कार्बन चेन कितने कार्बन की बन रही है. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बन रही है. ठीक है, अब यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है, टू. कौन कौन सी पोजीशन पे, इस साइड से करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन 4 एंड 6 पे आ रहा है. ठीक है, और इधर के साइड से करें तो कितने पे आएगा, 1 2 3 4 3 2 एंड 4 पे. ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे इसका नेम, 5 6 7 तो हैप्ट देन 2 4 डाई ओन. क्या नेम हो गया इसका, हैप्ट 2 4 डाई ओन. क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, मान लो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है इस तरह से, तो अब इसमें क्या चेंज हो जाता थोड़ा सा, 5 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो क्या हो जाता, 5-methyl हैप्ट 2-4 डाई ओन. तो इस तरह से अगर कीटोनिक ग्रुप मोर देन वन टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, उसका पोजीशन मेंशन करके उसका नेम लिख सकते हो. ठीक है, मान लो अगर एक और फंक्शनल ग्रुप होता यहाँ पे भी कीटोन ही होता, ठीक है, या फिर किसी और पोजीशन पे होता, तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर देते, 2-3-4 ट्राई ओन. मीन्स कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, प्लस वो कार्बन चेन के मिड में आता है. ठीक है, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो एल्डिहाइड वाली जो सिचुएशन थी कि हम तीनों एल्डिहाइड को छोड़ दें या तीनों एल्डिहाइड को इंक्लूड करें, ऐसा कुछ डिफिकल्टी जो है वो इसमें नहीं आएगी. ठीक है, नॉर्मल जो होगा इसका, इसमें बीच में होगा वो आप कार्बन चेन में इंक्लूड करो, उसका पोजीशन लिखो और ऑन लगा दो. क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, ये तो देखो नॉर्मल है. ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं,
पहले क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी आपको, ठीक है? आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी, आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, उसके बाद में मैं आपको कल बताऊंगी, तो आप टैली करना कि आपके कितने एग्जाम्पल्स राइट है, कितने रॉन्ग है, वो सारी चीजें क्लियर है। चलो अब देखो, नेक्स्ट जो है वो है कि अगर ये जो ग्रुप है वो एज ए प्रीफिक्स आए तो क्या होगा। बेटा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको मेंशन करवाया था कि एल्डिहाइड के टू प्रीफिक्स होते हैं, ऑक्सो भी होता है एंड फॉर्माइल भी होता है, ठीक है? तो कब ऑक्सो यूज आएगा और कब फॉर्माइल यूज आएगा वो कंडीशन अपन देखेंगे, ठीक है? यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पोर्शन सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, COOH, ठीक है? जितनी देर में एग्जाम्पल लिखती हूँ सब उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं सारे एग्जाम्पल्स मेंशन करती हूँ बोर्ड पे, तब तक सारे बच्चों के वो आंसर्स क्लियर हो जाने चाहिए उनके, कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। कॉपी में आंसर लिखे हुए होने चाहिए, फटाफट वीडियो को पोज करो, कॉपी पेन लाओ, बैठो और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस करना, ठीक है? कंटिन्यूअसली उसको वॉच करना, पहले कॉपी पेन लेके आओ और तुम लोग सॉल्व करोगे साथ साथ में, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो, CH3, CH2, CH, CHO, CH2, COOH, ठीक है? नेक्स्ट इज CHO, CH2, CH2, COOH, सॉरी, हाँ अब नेक्स्ट देखो, CHO, CH2, CH, CH3, CH2, CH3 एंड COOH, ठीक है? ये देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। सबसे पहली बात तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां देखो अपन ने जो एग्जांपल मेंशन किया है उसमें क्या है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे टू फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो है कुछ एग्जाम्पल्स में एल्डिहाइड है और कुछ में कीटोन है। ध्यान से सुनना सब मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से सुनोगे ये बात। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हर जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें सिर्फ एक ही प्रीफिक्स होता है, ठीक है? जबकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, उसमें कितने प्रीफिक्स है, टू प्रीफिक्स है। फर्स्ट इज ऑक्सो, सेकंड इज फॉर्माइल। कब ऑक्सो यूज आएगा, कब फॉर्माइल यूज आएगा, वो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है? तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट आता है, ठीक है? तो उसका क्या यूज होगा, उसका यूज होगा सफिक्स, ठीक है? सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, कीटोन। कीटोन का क्या यूज होगा, प्रीफिक्स। कीटोन का कितना प्रीफिक्स होता है, एक ही प्रीफिक्स होता है, दैट इज ऑक्सो। तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप उसको मेंशन कर दो। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रेफरेंस इसी को पहले मिलेगी, 1, then 2, 3, 4 and 5, ठीक है? अब प्रीफिक्स कौन सी, मीन्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है? तो थर्ड पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्या मेंशन करेंगे, 3। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सो। तो 3 ऑक्सो, क्लियर? अब उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंटेन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ऑइक एसिड। तो क्या होगा, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्या नेम हो गया इसका, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है? अब देखो ये तो सिंपल सी बात थी,
अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है और ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यान से देखोगे. देखो एल्डिहाइड, यहां भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड. ठीक है, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, जिसको हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबसे ऊपर रखेंगे. ठीक है, जो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, जिसका क्या यूज होगा? सफिक्स यूज होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है बेटा? एल्डिहाइड. ठीक है, अब देखो जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं है कि कार्बन चेन में इंक्लूड हो. सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना? मेन फंक्शनल ग्रुप को ही अपन को कार्बन चेन में इंक्लूड करना जरूरी है. अगर आपका जो अदर फंक्शनल ग्रुप है, जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आप उसको कंसीडर कर रहे हो, उसको फंक्शनल कार्बन चेन में इंक्लूड करना जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है इन द सेंस, अगर उससे, जैसे एग्जाम्पल ही देख लो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको कार्बन चेन में इंक्लूड करना है. अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, मींस सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको अगर हम इंक्लूड करें तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन बनेगी. ठीक है, और इसको अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बनेगी. और इसको अब हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है. इसलिए अगर हम इसको कार्बन चेन में इंक्लूड ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो यहाँ देखो, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हमने फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी, कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया है. ठीक है, तो अपनी कार्बन चेन हो गई ये. अब इसका नेम मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो. अब यहां मैं देखूं तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 4. और ये दोनों जो है वो कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है कि भाई इसको इंक्लूड कर सकता है, स्ट्रेट कार्बन चेन बन रही है 1, 2, 3, 4 कार्बन की. ठीक है, अब देखो, अब अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन हो, मींस अब CHO ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है यहां भी, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है यहां भी. ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं. अगर CHO ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है प्लस वो कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है, ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूएंट है प्लस वो कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है. ठीक है, तो जब वो इंक्लूड हो रहा है तब उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा? ऑक्सो. ठीक है, जब वो इंक्लूड नहीं हो रहा तब उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा? फॉर्माइल. इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको आप एक इस तरह से याद रख सकते हो, एक क्लू दे रही हूं मैं आपको. जब ये इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, इंक्लूड हो रहा है, इट मींस ये किसके जैसा बिहेवियर शो कर रहा है? कीटोन के जैसा है, क्योंकि कीटोन भी हमेशा कार्बन चेन में इंक्लूड होता है ना, बिकॉज वो तो हमेशा कार्बन चेन के मिड में ही आता है. ठीक है, तो जब वो कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तब वो किसके जैसा बिहेवियर शो करेगा? कीटोन के जैसा. और कीटोन का एक ही प्रीफिक्स होता है, दैट इज ऑक्सो. इसलिए जब एल्डिहाइड कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है और एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तब क्या यूज करेंगे? ऑक्सो. ठीक है, और अगर वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है प्लस वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल. इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, और सब बच्चों के वो क्वेश्चन सही होने चाहिए. समझ आई ना बात? चलो अब देखो, अब इसकी नेमिंग करते हैं हम. 1, 2, 3, 4, 5 सब्स्टिट्यूएंट कौन है? फॉर्माइल. कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे. क्या होगा? 3-formyl. ठीक है, नेक्स्ट कार्बन चेन कितने की है? 5 की. प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या होगा इसका नेम? पेंटेन प्लस ऑइक एसिड. सो क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड. क्लियर है सब बच्चों को? क्या नेम हुआ इसका? 3-formyl
देन पेंटेनोइक एसिड. ठीक है, अब इसका नेम देखो, 1, 2, 3, 4. अब 4 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज ए सब्स्टिट्यूट. ठीक है, बट इसका प्रीफिक्स क्या यूज आएगा? ऑक्सो, क्योंकि ये कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है. ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? 4-ऑक्सो एंड देन 4 कार्बन की ही चेन है, क्योंकि ये भी कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए इसको भी कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे. तो क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड, 4-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट में क्या है बेटा? 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 की है, ये भी 4 की है, बट इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे. क्लियर, तो यहां हमने ये लिया. अब कौन से पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट प्रेफरेंस? तो इसी को मिलेगा, 1, 2, 3, 4. लेकिन अब देखो, यहां पे अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है इथाइल, एक है ऑक्सो. सेकेंड वन इज ऑक्सो. इथाइल ई पहले आता है ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो हम इसको पहले मेंशन करेंगे. 2-ethyl, देन 4-ऑक्सो, देन ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने ये भी देख लिया, ऑक्सो कब यूज आएगा, फॉर्माइल कब यूज आएगा. ठीक है, ये सारी चीजें. तो देखो, अभी अपन ने कीटोन वाले एग्जांपल्स भी कर लिए, एल्डिहाइड वाले एग्जांपल्स भी कर लिए. ठीक है, वो एज ए जब सब्स्टिट्यूएंट यूज आ रहे हैं, तो उनके क्या होंगे वो एग्जांपल्स भी अपन ने कर लिए. ठीक है, अब देखो, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वहां पे कंबाइन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कंबाइन मिलेंगे, तो इसलिए मैं एक काम करती हूँ, एसिड भी अभी आपको पढ़ा देती हूँ. ठीक है, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, फिर आप सॉल्व करना. उसके बाद में कल हम वो डिस्कशन करेंगे कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे. ठीक है, एक्सरसाइज के क्या क्या सोल्यूशन होंगे, प्लस उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COOH. ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑइक एसिड. कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो वही सेम कार्बन चेन में इंक्लूड होगा. कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन. फॉर 2 कार्बन वी यूज इथेन प्लस ऑइक एसिड. क्या नेम हो गया? इथेनोइक एसिड. क्लियर है सबको? क्या हो गया इसका नेम? इथेनोइक एसिड. अब देखो, अगर ऐसी कंडीशन हो, CH3, CH2, CH2, COOH, कितने कार्बन की चेन हो गई? 1, 2, 3, 4. क्या नेम हो गया इसका? ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर. अब अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो, COOH, CH2, CH2, COOH. अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, वही एल्डिहाइड वाला जैसा केस है. कितने फंक्शनल ग्रुप आ गए? 2. दोनों कैसे हैं? सेम, दोनों कार्बन चेन में इंक्लूड होने वाले हैं, और दोनों कार्बन चेन में इंक्लूड हो भी रहे हैं इजीली, तो कर दो इंक्लूड. क्या किया हमने? 4 कार्बन की चेन बना ली. ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूट, देन 1, 2, 3, 4. कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे. क्या लिखेंगे? ब्यूट 1,4-डाइऑइक एसिड. क्लियर है सबको? ठीक है, अब मान लो कुछ इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो जाए इस पे, CH2, CH, CH3, COOH. तो सबसे पहले तो कार्बन चेन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कार्बन की चेन हो गई. ठीक है, COOH कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
फर्स्ट पे और सिक्स्थ पे, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से कौन से पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 2-methyl एंड हेक्स, हेक्स 1,6-dioic एसिड, ठीक है। क्या नेम हो गया इसका, 2-methyl हेक्स 1,6-dioic एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर एक एग्जांपल जो स्पेशल केस था एल्डिहाइड वाला, CH2COOH, 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 ठीक है। इसमें क्या देखा था अपन ने कि यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग है, प्लस उसमें क्या करना है अपन को, अगर हमने कार्बन चेन में इंक्लूड किया तो या तो ये वाले दोनों आएंगे या ये दोनों आएंगे या ये वाले दोनों आएंगे, तीनों इंक्लूड नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब तीनों इंक्लूड नहीं हो रहे तो तीनों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए हमने क्या टर्म यूज की थी, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या नेम होगा इसका, 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, प्रोपेन, देन 1,2,3, 1,2,3, कितना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नेम होगा इसका, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। तो ये अपना एल्डिहाइड का नेमिंग भी हो गया, कीटोन का नेमिंग भी हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो आपको सॉल्व करना है एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट कल के वीडियो हमें उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे।